गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हम लोग आज हाउस होल्ड सर्किट के चैप्टर में आज देखेंगे कि हाउस में वायरिंग कैसे होती है और उसमें वायरिंग में से मेथड लेते हैं हाउस वायरिंग। तो हाउस वायरिंग का यहाँ पर जो हमने टाइप किया है वो है रिंग सिस्टम। और रिंग सिस्टम ही क्यों या रिंग सिस्टम ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मोर कन्वीनियंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें वायर के खर्चे कम होते हैं और बहुत आसानी से वायरिंग हो जाती है और हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक पहुंच जो है सर्किट का वो अच्छे से हो जाता है। और बहुत इजी ये कह सकते हैं वायरिंग मेथड है। और ये इसी वजह से हमें लगता है कि हम लोग इसे अपने 10th स्टैंडर्ड पर पढ़ रहे हैं, जो बहुत अच्छी स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग देता है। तो हाउस वायरिंग में क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर आते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर यहाँ पर एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है और एक अर्थ वायर होता है। लाइव वायर में आपका करंट फ्लो होता है, न्यूट्रल वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट अपनी पूरी एनर्जी को स्पेंड कर देता है इलेक्ट्रिकल गैजेट के पास तो वो रिटर्न होता है उस पाथ से। और जो आपका ये अर्थ वायर है, ये अर्थ कनेक्टेड होता है, अर्थ वायर जो है कनेक्टेड होता है अर्थ से या ग्राउंडेड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद लाइव वायर में यहाँ पर 30 एम्पियर का MCB लगा हुआ होता है, यानी कह सकते हैं कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है। और उसका कनेक्शन सीधा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लाइव वायर का, लाइव न्यूट्रल वायर का और अर्थ वायर का हम लेकर आते हैं। हमारे घर में बहुत सारे डिफरेंट कमरे होते हैं, रूम होते हैं, उनमें से किसी एक रूम का मैं एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ। तो तीनों वायर को रूम में लेकर आते हैं और ये रूम का ये वाल है ये जिस पर मैं अपना चौक चला रहा हूँ, ये हमारे रूम का वाल है ये। और उस वाल में, उस रूम में चारों तरफ हम क्या करते हैं कि अपना लाइव वायर लेकर आते हैं। और लाइव वायर ये जिस पर मैं चाक चला रहा हूँ कमरे के चारों तरफ, ये लाइव वायर को मैं उस कमरे के चारों तरफ वायरिंग कर देता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, न्यूट्रल वायर लेकर आता हूँ। और न्यूट्रल वायर, इस वायर को अगर डायरेक्ट ऐसे लेकर आता हूँ तो टच करके लेकर आता हूँ, ज्वाइंट नहीं होता है ये, इससे क्रॉस जो होता है तो क्रॉस जो होता है तो फिर ये इसके ऊपर से होते हुए आएगा। और इस वायर को जिसे आप न्यूट्रल वायर बोल रहे हो तो न्यूट्रल वायर आर वायर्ड अराउंड द रूम, और ये रूम के चारों ओर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसकी वायरिंग कर दिया। एंड वी हैव द थर्ड वायर दैट इज कॉल्ड द अर्थ वायर, एंड अर्थ वायर आर आल्सो वायरिंग ऑन द एवरी वॉल ऑफ द रूम। और हम इसे भी, ये जिस पर मेरा चौक चल रहा है इस पर मैंने क्या किया, वायरिंग कर रखा है कमरे के चारों तरफ से। Here the wiring of the live wire, neutral wire and the earth wire are completed around the room. But here it is the compulsory for us how to connect electrical gadget of this wiring. इस wiring से electrical gadget को कैसे हम यहाँ पर connect करेंगे? So we have a, for example we have a 3-pin socket. That is the 3-pin socket. Because जो socket होते हैं वो there are two types. टू पिन सॉकेट भी होते हैं और 3-pin सॉकेट भी होते हैं। ये 3-pin सॉकेट, दैट इज द 2-pin सॉकेट। तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया 3-pin सॉकेट लिया, और 3-pin सॉकेट को मुझे कनेक्ट करना है इस रिंग वायरिंग सिस्टम से, रूम की रिंग वायरिंग सिस्टम से मुझे 3-pin सॉकेट को कनेक्ट करना है। तो हाउ टू कनेक्ट इट, कैसे हम कनेक्ट करेंगे? सो वी कैन सी दैट हियर दिस इज द लाइव वायर which is wired around the whole room, तो ये पूरे रूम में ये लगा हुआ है। सो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वायर यहां से कनेक्ट करेंगे, एक लाइव वायर से कनेक्ट करेंगे, और लाइव वायर के रास्ते में हम एक स्विच लगा देंगे। जो स्विच का काम क्या होता है, सर्किट में अप्लायंस को, गैजेट को ऑन या ऑफ करने का ये मेथड होता है। तो हमने यहां पर एक स्विच लगाया और स्विच कि इससे होते हुए हम 3-pin सॉकेट में से किसी एक पिन का कनेक्शन कर दिए। और फिर न्यूट्रल वायर से क्या किए कि न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द ओवर क्रॉस्ड वायर, नॉट अ जॉइंट वायर।
सो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, इस तरीके से हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये इसके ऊपर से जाएगा, ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट होता तो डायरेक्ट चला जाता, तो ज्वाइंट नहीं है, ऊपर से जाएगा। तो फिर इस वायर को जो न्यूट्रल वायर है हम थ्री पिन सॉकेट के किसी एक पिन से कनेक्ट कर देंगे। और फिर हमारे पास एक थर्ड वायर है और जिसे हम अर्थ वायर बोलते हैं, और अर्थ वायर को फिर से हम कनेक्ट करेंगे। और हमें ये पता है कि ये वायर मेरा इन सबसे ज्वाइंट नहीं है, तो फिर से मैं इसको क्या करूंगा, ओवर क्रॉस वायर की हेल्प से, फिगर की हेल्प से ऐसे में दिखाते हुए, और थ्री पिन सॉकेट से लाके यहाँ न्यूट्रल वायर को भी कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि वायरिंग में रिंग मेथड से एक कोई थ्री पिन सॉकेट को मैंने कनेक्ट किया, और थ्री पिन सॉकेट को कनेक्ट करने के बाद हम चाहे तो यहाँ से टू पिन सॉकेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द टू पिन सॉकेट। यहाँ पर ये टू पिन सॉकेट है, तो टू पिन सॉकेट में मैं क्या करूंगा कि एक लाइव वायर लेकर आऊंगा, और लाइव वायर के रास्ते में हमेशा स्विच लगता है, तो एक स्विच को यहाँ पर इनबिल्ट करूंगा, और ये सीधा मैं यहाँ से एक टू पिन सॉकेट को कनेक्ट कर रखूंगा। उसके बाद मैं फिर से न्यूट्रल वायर से एक वायर को लूंगा, और न्यूट्रल वायर इससे ज्वाइंट नहीं है, तो ये ओवर का यहाँ पर सिंबल बना रखेंगे, और फिर मैं इस टू पिन सॉकेट से आके कनेक्ट कर दूंगा। अब टू पिन सॉकेट में क्वेश्चन ये उठता है कि हमने अर्थ को क्यों नहीं कनेक्ट किया। देखो, जो टू पिन सॉकेट होते हैं वो एक हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं होते हैं, हैवी इलेक्ट्रिकल गैजेट नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट नहीं होते हैं वो। तो जब वो हैवी इलेक्ट्रिकल गैजेट नहीं होते हैं, तो चाहे उसे अर्थ से कनेक्ट करो या ना करो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस रेफरेंस में एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, एक मैंने कोई बल्ब या लैंप लिया, और उस बल्ब या लैंप को फिर से मैंने क्या किया कि वायरिंग मेथड से, जो मैंने यहाँ पर वायरिंग कर रखी है, उस वायरिंग के लाइव वायर से, दिस इज द लाइव वायर, यू कैन सी दैट, ये लाइव वायर, ये यहाँ से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से 30 एम्पीयर का एमसीवी नीएचएस सर्किट ब्रेकर लगाकर और सीधा लाइव वायर पर आए हैं, और लाइव वायर का कनेक्शन एक स्विच से होते हुए मैंने इलेक्ट्रिकल गैजेट एक लगा रखा है, जो बल्ब या लैंप कुछ भी हो सकता है, और यहां से स्विच की हेल्प से कर दिया, और उस स्विच का, उस सॉरी बल्ब का और लैंप का एक और वायर लेकर आया हूं, और मैंने यहां पर उसे एक न्यूट्रल वायर से, ये दिस इज द न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया मैंने। और यहां पर मैंने टू पिन सॉकेट के हिसाब से बताया कि कोई भी इलेक्ट्रिकल लैंप या इलेक्ट्रिकल बल्ब को कैसे रिंग मेथड से हम कनेक्ट करेंगे। और रिंग मेथड से कनेक्ट करने के बाद अब यहां पर मैंने आपको दो तीन तरीके की एक स्विच वो बता रखी है, वायरिंग कर रखी है। अब मेरे पास एक कोई हैवी इलेक्ट्रिकल गैजेट है और जिसे मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ इस वायरिंग मेथड से, इस रिंग सिस्टम से मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, कैसे कनेक्ट करूंगा, तो मैंने उसके लिए भी एक एग्जांपल ले रखा है, दैट इज कॉल्ड एसी। और ये एसी ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट नहीं है जो 2-4 वाट पर चल जाए, 200-400 वाट पर चलने वाली इलेक्ट्रिकल गैजेट है। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसको कनेक्ट करने के लिए जो हैवी इलेक्ट्रिकल गैजेट होते हैं उनको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखो ये लाइव वायर है, ये लाइव वायर है, ये लाइव वायर है, लाइव वायर से हमने क्या किया, सबसे पहले लाइव वायर को मैं इलेक्ट्रिकल गैजेट के पास लेकर जा रहा हूं। सबसे पहले बेटा हमारा काम क्या होता है कि उसमें फ्यूज जोड़ देना, मैंने फ्यूज जोड़ दिया, फ्यूज के जस्ट बाद हम उसी लाइव वायर में ही स्विच लगा देते हैं। स्विच लगाने के बाद हम एसी के एक पिन से कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद में यहां से न्यूट्रल वायर को इसके इस वाले लाइव वायर के ऊपर से होते हुए फिर लेकर आऊंगा, और लाइव न्यूट्रल वायर में कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर एसी गैजेट के ऊपर लगा दूंगा, और फिर मेरे पास ये वो अर्थ वायर है, अर्थ वायर इन सब के ऊपर से लेकर आते हैं, और फिर एसी से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि जब कभी भी हैवी गैजेट लग रहा हो तो हैवी गैजेट में हम लोग फ्यूज इनबिल्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी मैंने 3 पिन कनेक्शन किया था, लेकिन मैंने फ्यूज को नहीं लगाया था, केवल स्विच लगा रखा था, यहाँ पर भी स्विच लगा रखा था, यहाँ पर भी स्विच लगाया मैंने। लेकिन याद रखिए कि जब मैंने हैवी इलेक्ट्रिकल गैजेट लगाया तो वहां पर मैंने फ्यूज भी लगाया। कारण यह है फ्यूज लगाने का कि कभी ये ज्यादा करंट अगर ले रहा हो या ज्यादा करंट की सप्लाई हो गई हो तो हमारा ये गैजेट ना खराब हो, इस गैजेट से पहले इसका फ्यूज खराब हो जाए, और इस फ्यूज के खराब होने से पूरा का पूरा करंट यहां पर ब्रेक हो जाता है, और मेरा जो ये सिस्टम है वो खराब होने से बच जाता है। तो ये होता है, तो यहां पर यह देखना होगा कि इन दिस सिस्टम वायर स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इस सिस्टम में
जो वायरिंग होता है उस वायरिंग का जो सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से शुरुआत होता है इसका, और फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से इसका शुरुआत होता है वायरिंग का, रन ऑल अराउंड द रूम, उस घर के अंदर जितने भी रूम होते हैं सब में ऐसे ही वायरिंग कर लेते हैं, सब में ऐसे ही वायरिंग कर लेते हैं, एंड देन कम बैक टू डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इन द फॉर्मिंग द कंप्लीट रिंग, तो हर एक रूम में ऐसे ले जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही हर रूम में लेकर जाते हैं, और वहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम करेक्शन करते हैं। और इसी का हम एक सिंपलेस्ट मेथड भी देख सकते हैं। यहाँ पर दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मैंने लिया है, एक बल्ब लिया है और एक एसी लिया है, और इस उसी को एक सिंपलेस्ट वे में वायरिंग करने का मेथड है। लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, और ये अर्थ वायर है जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आ रहा है। कैसे कनेक्ट करते हैं इसमें, तो हम लोग एक बल्ब लिए, बल्ब का मैंने लाइव वायर में स्विच से कनेक्ट कर दिया, और स्विच से वायर ला कर सीधा लाइव वायर को मैंने इलेक्ट्रिकल गैजेट के पास कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर न्यूट्रल वायर आ रहा है, और यहाँ पर केवल एक सिंपलेस्ट कनेक्शन है जो लाइव और न्यूट्रल वायर का है। लेकिन मैंने एक और हैवी इलेक्ट्रिकल गैजेट लिया जिसका नाम एसी है, और एसी को लिया तो मैंने एक लाइव वायर का कनेक्शन दिया, और लाइव वायर के रास्ते में मैंने एक एमसी भी लगा दी जिससे कि कभी हैवी करंट फ्लो हो तो उससे ब्रेक ना हो, खराब ना हो ये गैजेट। फिर उससे होते हुए एमसीबी से होते हुए फिर मैंने एक स्विच लगाई, और स्विच ये यहाँ पर आ गया, और फिर मैंने एक यहाँ से न्यूट्रल वायर का कनेक्शन दिया, न्यूट्रल वायर, और फिर ये कट हुआ है। तो इस तरीके से भी एक सिंपलेस्ट वायरिंग हम कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को, गैजेट इलेक्ट्रिकल सर्किट से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। तो ये एक सिंपलेस्ट है वायरिंग ऑफ रिंग मेथड में। हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ द रिंग सिस्टम ऑफ द वायरिंग क्या है। तो फर्स्ट है, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द वायरिंग। याद रखना बेटा, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कोई भी वायर लेकर आते थे, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, तो एक ही बार लेकर आते थे, और रूम के अंदर उस पूरे रूम में हम वायरिंग करने के बाद इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को केवल उससे कनेक्ट करते थे। तो इससे क्या होता है कि हर एक रूम तक जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वायर लाना है वो इंडिविजुअल रूम के लिए इंडिविजुअली नहीं लाना पड़ेगा, या इंडिविजुअल अप्लायंस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से तीनों वायर एक नहीं लाना पड़ेगा। जैसे एक रूम में ये फैन लगा हुआ है, एक रूम में टेलीविजन है, एक रूम में एसी है, एक रूम में ये सारी चीजें लगी हुई हैं, तो इंडिविजुअल अप्लायंस के लिए इंडिविजुअल वायर को नहीं लाना पड़ेगा। एक बार वायर आप ले आए तो रूम के अंदर अब उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को उससे कनेक्ट करना है। तो इससे क्या हो जाता है, इस मेथड में वायर की कॉस्ट से बच जाता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो वायर की लगती है वो बच जाता है। वायरिंग में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड नहीं होता है और कम वायर का यूज होता है, बिकॉज वायर इज नीडेड फ्रॉम द मेन रिंग ऑफ द इज ऑफ लोअर करंट कैपेसिटी एंड द करंट फ्रॉम द मेन रीचेस द इंडिविजुअल अप्लायंस थ्रू द टू द सेपरेट पार्ट। क्या होता है, हमने वही बताया आपको कि इंडिविजुअल अप्लायंस के पास इंडिविजुअली हमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वायर लाने की जरूरत नहीं है। एक बार कमरे के अंदर वायर ले गए, अब वहीं से हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्ट करते चले जाते हैं, तो वायर के एक्स्ट्रा कॉस्ट से हम बच गए और एक्स्ट्रा वायरिंग से उसके खर्चे से बच गए, और वायर की बर्बादी को ये रोक लेता है। और फिर क्या होता है, ईच अप्लायंस है द सेपरेट फ्यूज, और हर एक अप्लायंस का आपने देखा था कि फ्यूज लगाया गया था, तो हर एक अप्लायंस का अपना सेपरेट फ्यूज होता है, और सेपरेट फ्यूज होने की वजह से फ्यूज था, और फिर क्या था, स्विच थी, और स्विच के बाद इलेक्ट्रिकल अप्लायंस था। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो फ्यूज होता है और जो हमारा स्विच होता है वो इंडिविजुअल अप्लायंस के लिए इंडिविजुअली लगता है। तो अगर ये एक सर्किट खराब हो गया तो पूरे घर की वायरिंग से इससे कोई मतलब नहीं है, केवल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल गैजेट ही खराब हुआ है। अगर मैं एक ही वायर लाकर सबको सीरीज में जोड़ देता हूँ, और सीरीज में जोड़ने के बाद अगर एक फ्यूज खराब हो गया तो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल मेथड में, और या कह सकते हैं रिंग्स में, अगर एक इलेक्ट्रिकल गैजेट खराब हुआ है तो एक ही का करंट फ्लो रुकेगा, बाकी सबका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ईच अप्लायंस है द सेपरेट फ्यूज, हर एक अप्लायंस का सेपरेट फ्यूज होता है। सो इन केस ऑफ द डिफेक्ट इन वन अप्लायंस वर्किंग इन द अदर अप्लायंस इन द नॉन अफेक्टेड, इससे एक अप्लायंस का तो खराब हुआ है तो वही केवल अफेक्टेड होगा, अदर अप्लायंस जो है वो अफेक्टेड नहीं होते हैं। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और कनेक्टेड इन द पैरेलल विद
which made iron the separate switch and the fuse is the connected increasing with the each appliance. और इस वाले मेथड में हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए अलग से स्विच होता है, अलग से फ्यूज होता है. अगर हम एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हुआ है तो केवल उसकी स्विच स्विच या उसी के फ्यूज को हमें या उसी इलेक्ट्रिकल वायर को देखना पड़ेगा और सबका वैसे ठीक जैसा पहले वर्क कर रहे थे वैसे ठीक वर्क करते रहेंगे. उनकी फ्यूज और स्विच या वायर में कोई कमी नहीं होगी या कोई चेंज करने का या कोई चेक करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो सब आराम से काम कर रहे हैं. तो जो खराब होगा इलेक्ट्रिकल गैजेट तो हमें उसी को इफेक्टेड होगा और उसी को चेक करने की जरूरत होगी, बाकी सब वैसे के वैसे काम करते रहेंगे. हम लोग इसी सीरीज में आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ द कनेक्टिंग द अप्लायंस इन पैरेलल. कोई भी अप्लायंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कैसे उसमें क्या क्या एडवांटेज होते हैं, उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं. तो इस अप्लायंस गेट्स द कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट सप्लाई. इस एडवांटेज ऑफ द पैरेलल में क्या होगा कि हर एक अप्लायंस को 220 वोल्ट से की सप्लाई से कनेक्ट करना होता है और वो नॉर्मली वर्किंग करते रहते हैं. दैट इज द वोल्टेज रेटिंग इज द सेम फॉर ऑल. और इससे क्या होता है कि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी कहीं पर कनेक्ट है उन सब के लिए वो जो वोल्टेज रेटिंग है वो सब 220 वोल्ट की रेटिंग आएगी, किसी का भी वोल्टेज डिफरेंट नहीं होगा. और दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो है ईच अप्लायंस ऑपरेट द इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग द अफेक्टेड द अदर अप्लायंसेस और द ऑपरेटेड और द आर नॉट. इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा मिलेगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर हम इंडिविजुअली सबको 220 वोल्ट से कनेक्ट करके रखे हैं तो कोई भी हमारा अगर अप्लायंस ब्रेक हो गया या कुछ उसमें कमी आ गई या कुछ खराबी हो गई तो केवल वही अप्लायंस इफेक्टेड होगा, बाकी के जितने भी अप्लायंस यहाँ पर रहेंगे वो सब के सब इंडिविजुअली काम करते रहेंगे. कोई भी अप्लायंस अगर यहाँ पर हम लगा रखे हैं, बहुत सारे अप्लायंस लगा रखे हैं लेकिन पैरेलली लगा रखे हैं किसी सोर्स से तो एक अप्लायंस अगर मान लो ये खराब हो गया तो ये दोनों चलते रहेंगे और इसी का केवल हमें चेक करना रहेगा कि फ्यूज या वायर या कनेक्शन कहाँ से फॉल्ट हुआ है और बाकी सब चलते रहेंगे. तो इंडिविजुअल का कनेक्शन नहीं करते हैं बल्कि सबको 220 वोल्ट की सप्लाई को दे रखते हैं. तो अगर कहीं खराबी आती है तो कोई एक खराब होता है बाकी सब अनफेक्टेड होते हैं, वो पूरा का पूरा अप्लायंस जो है वो ऑपरेट होता रहता है, एलईडी जैसे पहले था वैसे ही रहता है. डिसएडवांटेज ऑफ द कनेक्टिंग एन अप्लायंस इन सीरीज. सीरीज को सीरीज में अगर हम कनेक्ट कर दें तो डिसएडवांटेज क्या है वो हमें देखना है. तो सीरीज के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए वोल्टेज डिफरेंट होते हैं और करंट जो होता है वो सेम होता है. करंट सेम होता है और डिफरेंट अप्लायंस के लिए वोल्टेज डिफरेंट होता है. इस सेंस में अगर हम बात करें तो वोल्टेज गेट डिवाइडेड इनटू इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस. अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल गैजेट है, एक कह सकते हैं कि सर्किट है और उसमें इलेक्ट्रिकल गैजेट इस तरीके से कनेक्ट है, इसका वोल्टेज V1 इसका वोल्टेज V2 है, तो इसमें करंट जो होगा वो सेम करंट होगा बट वोल्टेज आर डिफरेंट. देन अक्रॉस द वोल्टेज रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिफरेंट R1 एंड R2. देन हियर By the Ohm's law, V1 is equal to IR1 और इसके लिए V2 is equal to क्या हो जाएगा IR2. Here current will be same, current मेरा same है but voltage और resistance जो है वो different है. तो इस ratio में अगर मेरा कह रहे हैं कि अगर voltage का divide है तो voltage की divide होने से so each appliance does not take work at its the rated voltage. रेटेड वोल्टेज पर आपका जो डिवाइस है या मीटर है वो वर्क नहीं कर पाएगा इस वोल्टेज पर. कारण यह है कि अगर एक भी अप्लायंस इस कनेक्शन में खराब हो गया तो आगे के सारे अप्लायंस ऑफ हो जाएंगे. अगर इसमें एक चल रहा है, सबका सही होना कंपलसरी है इसमें, अगर एक चल रहा है तो उसी तरीके सारे के सारे चलने चाहिए. अगर एक बंद हुआ तो सब बंद हो जाता है. ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियसली एक खराब हुआ तो अगर सारे चलते रहे, अगर एक खराब हुआ तो सबके सब अपना ये शो करते हैं कि खराब नहीं है, खराब हो गए, जबकि वो सबके सब खराब नहीं हुए रहते हैं या कभी कभी हुए भी रहते हैं. तो इस वोल्टेज पर रेटेड नहीं होता है तो ये इसका डीमेरिट है या डिसएडवांटेज है. दूसरा हम कह सकते हैं कि ऑन कनेक्टिंग द टू आर मोर अप्लायंस, अगर हम बहुत दो या दो से अधिक अप्लायंस को हम कनेक्ट कर दें सीरीज में सर्किट में, तो अगर एक सर्किट उसमें से अफेक्टेड हो जाए या उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए एंड द करंट बिकम लेस सो ईच अप्लायंस गेट लॉस पावर सप्लाई, या उसका करंट लॉस हो जाए
तो वहां पर पावर लॉस जो होता है, जो होता है सप्लाई का, वो बढ़ जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर सबके सब एक ही सीरीज में करंट है तो किसी एक के चेंज होने से पूरी सर्किट की जो वैल्यू है, पावर की जो वैल्यू है, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा डिमेरिट है इसका। All appliances operate simultaneously if one of the switch is off, all get switch off. अगर इस सीरीज में इसमें जुड़ा हुआ है कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और आपने एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का स्विच ऑफ किया, उसी क्षण सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट स्विच ऑफ हो जाएंगे, जबकि उन सबका इंडिविजुअल स्विच ऑफ ही नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सब के सब सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एक ही स्विच से ऑपरेट और ऑन भी होता है और ऑफ भी होता है, या ऑपरेट होता है। तो एक स्विच को आप बंद किए तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल गैजेट बंद हो जाता है, जबकि और सबने करंट और सबका स्विच ऑफ नहीं किया गया था। वही ये बताना चाह रहा है कि ऑल अप्लायंस ऑपरेट साइमल्टेनियसली, सारे ऑपरेट इलेक्ट्रिकल गैजेट को आपने अप्लायंस को ऑपरेट किया है और किसी एक को स्विच ऑफ किया, बस वही करके सारा का सारा स्विच ऑफ हो जाता है। तो दिस इज द ओवरऑल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द रिंग मेथड ऑफ द वायरिंग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।